हेलो क्लास ट्वेल्थ वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्या है सल्यूशन सल्यूशन का ये है लेक्चर फाइव लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले वो देख लेते हैं तो लास्ट टाइम हमने ना राउल्ड्स लॉ के बारे में पढ़ा था ठीक है लास्ट टाइम हमने क्या देखा था राउल्ड्स लॉ राइट right? और हमने देखा था कि वेपर वेपर प्रेशर के बारे में हमने देखा था राइट right? कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी प्रीवियस क्लास में अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए उसके बाद हम ये वाला लेक्चर करने वाले हैं जो कि है क्या है आज क्या करने वाले हैं आज की क्लास से हम लास्ट क्लास में बताया था एंड में क्या करेंगे हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करेंगे आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आइडियल क्या होता है नॉन आइडियल बताइए बेसिकली यहां पे आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन क्या कहा हमने क्या कहा आइडियल सॉल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन ठीक है फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन सो सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन विच ओबे दी राउल्ड स्लो एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन हर कॉन्सेंट्रेशन के लिए किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे आप देख लीजिए वो राउल्ड लॉ को ओबे करेगा और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन है पहली चीज हमें पता चल गई यस yes. पहली चीज हमें पता चल गई दूसरी चीज क्या है जो इंथेलपी है चेंज इन इंथेलपी ठीक है डेल्टा मिक्स एच यानी कि हीट जो होगा वो कितना होगा इसका इज इक्वल टू जीरो डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो यहां पे क्या है डेल्टा एच हीट बोल लो इंथेल्पी बोल सकते हैं हम यहां पे यानी कि चेंज इन इंथेल्पी क्या हो जाएगा चेंज इन इंथेल्पी जो है वो कैसा है जीरो है क्लियर इंथेल्पी चेंज जीरो मतलब है इंथेल्पी चेंज इज जीरो इसका क्या मतलब है यह मतलब है? समझते हैं जरा इतना नोट डाउन करें करिए इतना नोट डाउन इंथेल्पी चेंज और वीकेंड से हमने इंथेल्पी को क्या कर दिया मिक्स कर दिया एंड मेकिंग अ सोल्यूशन सोल्यूशन बनाते वक्त जो इसमें इंथेल्पी आएगी जो इसमें हीट आएगा जो इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी जीरो कितनी होगी जीरो होगी कैसे इसको समझते हैं ठीक है देखो हमारे पास ए ए क्या है सोल्यूट है बी बी का यहां पे हमने क्या ले लिया सॉल्वेंट ले लिया हमारे पास ए ए सोल्यूट है बी बी सॉल्वेंट है इसका इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिससे सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट है क्या कहा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ठीक है हमने मान लिया कि इनके बीच में क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये एक दूसरे से अटैच है सोल्यूट सोल्यूट से अटैच है एंड सोल्वेंट सोलवेंट से अटैच है ठीक अब अगर मुझे सोल्यूशन बनाना पड़े ठीक है सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के मुझे अगर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए ये जरूरी है कि सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे उसके लिए क्या जरूरी है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करे और सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ कब रिएक्ट करेगा जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा तभी ए बी के साथ रिएक्ट करेगा अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एनर्जी देना पड़ेगा सो लेट सपोज कि ए ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेट सपोज ए ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने 10 किलो जूल एनर्जी दी है इसको ठीक है फिर बी बी के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमने टेन किलो जूल इसको एनर्जी दे दी अब ये ब्रेक हो गया अब क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा सो ए बी ए बी प्रोडक्ट बन गया ठीक है प्रोडक्ट बन गया जब ए बी के साथ कंबाइन होगा जब ए बी के साथ कंबाइन होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि रिएक्टेंट आपस में मिलके जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो किस क्यों प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके क्यों प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके और स्टेबिलिटी कब आएगी जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो जितना इन्होंने एनर्जी लिया था अपने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इन्होंने क्या किया एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था क्या किया था सॉल्यूट ने एनर्जी किया था सॉल्वेंट ने एनर्जी तो एनर्जी जो है एनर्जी क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा इसको हमने क्या कहा अब देखो इंथेपी की अगर हम बात कर ले चेंज इन इंथेपी की बात कर ले तो रिएक्टेंट साइड 20 किलो जूल है एंड प्रोडक्ट साइड माइनस ट्वेंटी किलो जूल है रिएक्टेंट साइड 20 किलो जूल है एंड प्रोडक्ट साइड माइनस ट्वेंटी किलो जूल है मतलब चेंज इन इंथेलपी इज जीरो चेंज इन इंथेलपी इज जीरो आया समझ ये क्यों लिखा था समझ में आ गया ये क्यों लिखा था यहां पे ठीक है क्लियर है तो ये सेकंड चीज हो गई फॉर आइडियल सोल्यूशन थर्ड चीज जो देखनी है हमें आइडियल सोल्यूशन के लिए वो क्या है डेल्टा मिक्स V यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा डेल्टा मिक्स वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा अब ये कैसे है अब ये कैसे है देखो ए ए का जितना हमने वॉल्यूम लिया 10 एम एल बी बी का हमने वॉल्यूम लिया 10 एम इससे जो सल्यूशन मिलेगा हमको ए बी और ए बी ये कितना है 20 एम ए ए का सोल्यूशन हमने कितना लिया ए ए सोल्यूट कितना है? हमारे पास टेन एम है बी बी हमने कितना लिया यहां पे टेन एम है दोनों का मिला के यहाँ पे जो एम बनेगा वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी कितना हो जाएगा ट्वेंटी एम ठीक अगर हम इसमें चेंज देखेंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस ट्वेंटी कितना आ जाएगा 20 माइनस ट्वेंटी यानी कि यहां पे भी क्या हो गया क्या हो गया यहां पे डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो यानी कि जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए के बीच में था है ना वॉल्यूम कैसे पता करेंगे अब देखो मान लो कि ए ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इतने दूर पे है ठीक है वो इतने दूर पे है और बी बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इतने दूर पे है तो जो ए बी बनेगा वो भी इतने दूर पे होगा अगर वो थोड़ा सा और दूर हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या फिर अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और वो पास में आ गए तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा समझ में आया लेकिन अगर आइडियल सोल्यूशन की हम यहां पे बात करते हैं तो होगा क्या कि अगर ए ए के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने दूर हैं ठीक बी बी के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने दूर हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा यहां पे ठीक है और जो प्रोडक्ट बनेगा यहां, बने यहां पे उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इतना ही है अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ठीक है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हो जाता है यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बट आइडियल सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉलवेंट का होता है सॉल्यूट का इंडिविजुअल सॉल्वेंट का इंडिविजुअल उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूशन होता है समझ में आया इस वजह से डेल्टा मिक्स वॉल्यूम भी जो है इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर इतना समझ में आया तो ऐसे सोल्यूशन को कैसे सोल्यूशन को ऐसे सोल्यूशन को विच ओबे द राउल्ड लॉ एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा मिक्स एच जो है वो जीरो हो जाए डेल्टा मिक्स वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाए अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो की जा रही है तो वो सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन माना जाएगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि हां ये आइडियल सोल्यूशन है क्या बोलेंगे हम ये आइडियल सोल्यूशन है अब देखो कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी इंसान एक परफेक्ट इंसान नहीं होता ठीक है कुछ ना कुछ उसमें कमी रह ही जाती है चाहे कितना भी कर लो है ना आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते किसी ना किसी के लिए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता इतना परफेक्ट इंसान तो कभी कोई होता नहीं है ना तो आइडियल सोल्यूशन कैसे बन जाएगा सोल्यूशन जैसा कोई सोल्यूशन नहीं होता हाँ इनकी जो प्रॉपर्टी है कुछ सोल्यूशन इनकी प्रॉपर्टी के आसपास की प्रॉपर्टी शो करने लग जाते हैं ठीक है तो उनको हम क्या कह देते हैं आइडियल सोल्यूशन कह देते हैं क्या कह देते हैं उसको हम आइडियल सोल्यूशन कह देते हैं समझ आ रहा है ये बताइए समझ आ रहा है डन सो देयर इज नो आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट इन सिस्टम देयर इज नो आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट इन दी सिस्टम देयर is no ideal solution there is no ideal solution present in ठीक है कोई आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता है सिस्टम में देर इज नो आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट इन सिस्टम बट कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं उनकी प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं थोड़ा बहुत ठीक है मतलब उनके आसपास की वैल्यूज को क्या करते हैं शो करने लग जाते हैं ठीक है क्लियर है समझ में आ रहा है परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन नहीं है बट नियर आइडियल सोल्यूशन आर पॉसिबल ठीक है नियर आइडियल सोल्यूशन आर पॉसिबल देर इज नो आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट इन द सिस्टम बट नियर आइडियल सोल्यूशन इज पॉसिबल नियर आइडियल सोल्यूशन ज पॉसिबल एग्जाम्पल लिखें कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन है जो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं यस हेगजेन एंड हेप्टेन लिखो फटाफट से हेग्जेन एंड हेप्टेन फर्स्ट क्या हो जाएगा हेगजेन एंड हेप्टेन सेकेंड यस yes, बताइए और कौन कौन से हो सकते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन लिखो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ये ऐसे सोल्यूशन है जो कि नियर आइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं ठीक है इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड और क्या क्या हो सकते हैं Yes, और क्या क्या हो सकते हैं बेंजीन एंड टॉलोवीन बेंजीन बेंजीन एंड टोलवीन तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नियर आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे कौन कौन से हैं साथ ही साथ ना लर्न भी करो ठीक है कौन कौन से हैं हेक्जेन एंड हेप्टेन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड बेंजीन एंड टोलवीन ठीक है बेंजीन एंड टोलवीन और वी कैन से बेंजीन एंड जाइलिन ऑल्सो ठीक है क्या हो जाएगा बेंजीन एंड जाइलिन एक और एग्जाम्पल लिख लो बेंजीन एंड जाइलिन क्लियर है हेलो रिंकू डन तो ये सारे के सारे क्या है आइडियल सोल्यूशन के नियर आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं क्लियर समझ में आ गया आइडियल सोल्यूशन किसको बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल को फॉलो फॉलो करता हो प्लस डेल्टा मिक्स एच जो है वो जीरो हो और डेल्टा मिक्स वी जो है वो भी जीरो हो क्लियर अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की किसकी बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन ठीक है नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं विच डू नॉट ओबे द राउल्ड लॉ एट वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ठीक है विच डू नॉट ओबे द राउल्ड लॉ एट वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उनका डेल्टा मिक्स v भी जीरो नहीं होता है और डेल्टा मिक्स h भी जीरो नहीं होता ठीक नॉन आइडल सोल्यूशन नॉन आइडल सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच डू नॉट विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ at wide range of concentration at wide range of concentration पहली चीज तो ये हो गई यहां पे ठीक है पहली चीज ये है दूसरी चीज क्या है डेल्टा मिक्स एच इज नॉट इक्वल टू तो जीरो एंड थर्ड क्या है डेल्टा मिक्स वी इज नॉट इक्वल टू तो जीरो ठीक है डेल्टा मिक्स एच इज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल्टा मिक्स वी इज नॉट इक्वल टू जीरो दोनों ही जीरो के इक्वल नहीं होते अब क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है राउल्ट लॉ क्या है इसको नोट डाउन करो राउल्स लॉ क्या था टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है राउुल्स लॉ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी यस राउल लॉ है P सल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और P सल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ठीक है यही है राउल लॉ है अब यहां पे क्या हो सकता है इससे हायर डेविएशन भी शो हो सकता है यहां पे हायर डेविएशन भी शो कर सकता है और ये लोअर डेविएशन भी शो कर सकता है अब इसका क्या मतलब है कि हायर डेविएशन शो करेगा लोअर डेविएशन शो करेगा इसका ये मतलब है जो अभी हमने यहां पे लिखा था ना कि डेल्टा मिक्स एच जीरो नहीं है जीरो से ज्यादा भी हो सकता है आई I मीन mean, जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है डेल्टा मिक्स एच जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन क्लियर समझ में आया यस yes? ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन ठीक है डन ठीक अब हम यहां पे क्या देखने वाले सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में राइट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या प्रजेस्ट करेगा ये शोइंग पॉजिटिव डेविएशन शोइंग पॉजिटिव डेवियेशन फ्रॉम राउल स्लॉ पॉजिटिव डिविएशन कैसे शो करेगा ये एक तो हमें यह पता है पहली चीज तो फिक्स है कि यह राउल स्लॉ को फॉलो नहीं करता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, दूसरा क्या था हम डेल्टा मिक्स V और डेल्टा मिक्स एच की बात करते हैं यहां पे। यहां पे होगा क्या सोल्यूट 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 प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट गिव्स यहां पे क्या बनेगा सोल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट यही बनेगा सॉल्यूट सॉल्यूट जब मिक्स होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट जब मिक्स होगा तो क्या बनेगा सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट जब यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट इज हाई क्या कहा सॉल्यूट सॉल्यूट में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कैसा होगा बताइए कैसा होगा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसके अट्रैक्शन से सॉल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो बताओ क्या होगा Yes, बताइए क्या होगा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है सोचो यहां पे देखो सॉल्यूट सॉल्यूट अभी इतने दूरी पे है इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है के इतना है, है यानी कि ये ज़्यादा मतलब क्या मतलब ज़्यादा पास में बट यहां पर इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू दीज टू तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये तो दूर दूर हो गए ये जो पार्टिकल्स होंगे ये तो दूर दूर हो गए अब दूर दूर होने की वजह से क्या होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक राइट यहां पे क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है यहां पे स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और यहां पे क्या है यहां पे भी स्ट्रॉन्ग है बट हेअ इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्वेंट इज वीक तो जो वेपर प्रेशर होगा ठीक है जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो क्या करेगा रिलेटिवली यस हाई होगा कि कम होगा ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा क्या बनेगा ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है थोड़ी सी एनर्जी देंगे और मैं ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा ठीक है क्या कहा जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा समझ में आया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई उनको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वेपर प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए लेकिन ठीक है वेपर प्रेशर में लाने के लिए लेकिन अगर हम इनकी बात करें सोल्यूट सॉल्वेंट की तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलरेडी वीक इनके बीच में क्या है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी वीक है अब वीक होने की वजह से क्या होगा इनको हम एनर्जी देंगे तो ये ज्यादा वेपर प्रेशर बना के देंगे जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये उससे ज्यादा वेपर प्रेशर हमको देंगे क्लियर तो क्या लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज रिलेटिवली रिलेटिवली हाई ठीक है कैसा है रिलेटिवली हाई एज एक्सपेक्टेड जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे हमें ज्यादा मिलेगा तो बताइए किस तरीके से इसका हम आंसर लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट Vapor pressure of solute and solvent is relatively at, okay, relatively at every, uh, we can say relatively high directly, relatively more as expected. डन ठीक है डन है इसका क्या मतलब हो जाएगा यहां पे? तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज पॉजिटिव क्या हो जाएगा डेल्टा मिक्स वॉल्यूम इज पॉजिटिव हियर ठीक है डेल्टा मिक्स वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव है ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसकी वजह से ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ठीक ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ऑफ ठीक है यहां पे क्या हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ठीक है क्लियर है डन समझ में आ गया तो यहां पे क्या होगा मोर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल ऑप्टेन देन एक्सपेक्टेड मोर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सो मोर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑप्टेन देन एक्सपेक्टेड जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा हमें वॉल्यूम यहां पे देखने के लिए मिलेगा डन अब बात करते हैं डेल्टा मिक्स एच की किसकी बात करते हैं हम डेल्टा मिक्स एच की थर्ड ठीक है so, सो डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है अब ये क्यों पॉजिटिव है ये बताइए डेल्टा मिक्स एच क्यों पॉजिटिव है हम्म बताइए क्यों पॉजिटिव है क्या देखा था हमने यहां पे सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट गिव सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट और ठीक है सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड क्या है सोल्यूट सॉल्वेंट का सोल्यूशन है यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम इंथेल्पी की बात करें कि इंथेल्पी पॉजिटिव क्यों होगा कब होता है पॉजिटिव एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन में क्या होता है वो पॉजिटिव शो करता है ठीक है एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव वहां पे इंथेलपी जो होती है वो क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाते हैं यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोल्यूट एंड सोलवेंट इज ग्रेटर देन दी रिलीज आफ्टर दिन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन दी सोलूट एंड सोल्वेंट क्या बोला क्या बोल दिया यहां पर जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है ठीक है जितनी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं इसके बॉन्ड को ब्रेक करने की यहां पर कुछ ना कुछ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ठीक है यहां पे कुछ ना कुछ तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जितना हम एनर्जी सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट को दे रहे हैं टू ब्रेक देयर बॉन्ड ठीक है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज ग्रेटर ठीक है क्या है इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखे पहले इसको लिख ले पहले तब अच्छे से समझ आ, जाए आ जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड solvent solvent is higher is higher than the energy required energy required to form the solute solvent to form the bond of सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी कि इनकी एनर्जी जो है जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लग रही है जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में लग रही है उससे कम एनर्जी इसको जोड़ने में लग रही है उससे कम एनर्जी इसको जोड़ने में लग रही है फॉर एग्जाम्पल इसको तोड़ने में ट्वेंटी किलो जूल लग रहा है यहां पे ट्वेंटी किलो जूल है बट यहां पे बन कितने में रहा है थर्टी किलो जूल में ये बन गया तो फोर्टी माइनस थर्टी कितना हो गया प्लस का टेन किलो जूल क्या हो गया प्लस का टेन किलो जूल तो ये रिएक्शन कैसा है ये रिएक्शन कैसा हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन कैसा है एंडोथर्मिक रिएक्शन यस कैसा हो जाएगा ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा अब इसका हम ग्राफ देखेंगे जिस तरीके से हमने राउंड लॉ का ग्राफ देखा था सिमिलरली हम वैसा ही ग्राफ पहले बना लेंगे ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे हम जो लास्ट क्लास में भी हमने बनाया था किसके बीच में ग्राफ बना था ये वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में राइट यहां पे क्या है मोल फ्रैक्शन और यहां पे था वेपर प्रेशर हमने ये माना था कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज वन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज जीरो ठीक है तो प्योर यहां पे क्या था प्योर सॉल्यूट था हमारे पास और यहां पे क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज जीरो एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज वन और बीच में क्या बना था सोल्यूशन था बीच में क्या था सोल्यूशन था धीरे धीरे सोल्यूशन बनता जाएगा तो सोल्यूट की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी और सोलवेंट जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा सो जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू फिर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट एट ठीक है ये बहुत पास पास आ गया वेट यहां पे जीरो पॉइंट टू ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट एट इस तरीके से ये सोल्यूशन बन गया ग्राफ कैसा बनाया था हमने लास्ट टाइम यहां पे सिर्फ सोल्यूट है तो प्योर वेपर प्रेशर बनेगा ठीक है पी नॉट यहां पे क्या था ए और यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर रहेगा पी नॉट बी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट का वो कम होता जा रहा है हर एक पॉइंट के लिए कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है ठीक है एंड यहां पे सॉल्वेंट का जो है वो बढ़ता जा रहा है इनका सम अगर देखे तो क्या हो जाएगा पी ए पी बी पी सल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी यही पढ़ा था हमने ये तो नॉर्मल राउल्स लॉ है पॉजिटिव डिविएशन में क्या है जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है यह जितना होना चाहिए था इससे ज्यादा है एंड अगेन ये उससे ज्यादा है तो कुछ इस तरीके से हमें पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखने के लिए मिलेगा एक बार अगर आपको राउल्ट स्लॉ समझ आ जा जाता है तो उसमें कुछ भी नहीं करना जो एक्सपेक्टेड था वो तो राउल्ट स्लॉ था ठीक है लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में जितना होना चाहिए था बस उससे हमने ज्यादा बना दिया समझ में आ गया उससे हमने क्या किया ज्यादा बना दिया क्लियर समझ में आया इतना नाउ पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से सल्यूशन शो कर सकते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जाम्पल होगा पॉजिटिव डेविएशन का कौन कौन से सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे कौन कौन से सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे क्या हो जाएगा इथेनोल प्लस एसीटोन? क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इथेनोल एंड एसीटोन? ठीक है ऐसे ही वाटर एंड मिथेनोल क्या हो जाएगा वाटर प्लस मिथेनोल ये भी क्या शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फिर उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफोम सी सी एल फोर प्लस सी एच सी एल थ्री राइट सी सी एल फोर एंड सी एच सी एल थ्री और क्या हो सकता है एसीटोन एंड सी एस टू ठीक है एसीटोन एंड सी एस टू तो सी एस टू तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वाटर एंड मिथेनोल हो गया हमारा यहां पे। वाटर एंड इथेनॉल भी ये शो कर सकता है वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है मिथेनोल इथेनॉल और इथेनोल एसीटोन सी सी एल फोर एंड सी एच सी एल थ्री तो ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे कैसे डेविएशन शो करेंगे ये सारे के सारे के पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लॉ नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा यहां पर नॉन आइडियल सोल्यूशन लिखे नॉन आइडियल सोल्यूशन showing negative deviation from raoult's law non ideal solution showing negative deviation from raoult's law अब नेगेटिव डेविएशन की बात की गई है तो यहां पे क्या होना चाहिए जो सॉल्यूट सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट गिव सॉल्यूट सॉल्वेंट राइट सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट गिव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अब क्या होगा इनके बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इनके बीच में क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इसका क्या मतलब है इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है तो और वेपर जब बनेगा तो वो उतना वेपर नहीं बनेगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो उससे कम बनेगा कैसा बनेगा वो उससे कम बनेगा राइट सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Solute solute and solvent solvent is less than the less than the intermolecular force of attraction between solute and solvent. TK so the so the vapor pressure so more so more energy required so more energy required to so more energy is required to break this bond and form vapor. Hence we get less vapor pressure, less vapor pressure as expected. TK? Hence we get less vapor pressure as expected. जितना हमने वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट किया था उससे हमको कैसा मिलेगा कम मिल जाएगा समझ में आया कैसा मिलेगा हमें कम मिलेगा क्लियर नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम बात करेंगे डेल्टा मिक्स एच की हम बात करेंगे डेल्टा मिक्स वी की ठीक डेल्टा मिक्स एच एंड डेल्टा मिक्स वी दोनों के दोनों क्या होगा नेगेटिव क्या होंगे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे नाउ डेल्टा मिक्स एच इज नेगेटिव और नेगेटिव किसमें होता है एंडोथर्मिक में नेगेटिव किसमें होगा एंडोथर्मिक में इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि ए के यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट और यहां पे क्या बन रहा है सॉल्यूट सॉल्वेंट ठीक है अब जितना एनर्जी सॉल्यूट सॉल्यूट के बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है जितना एनर्जी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है उससे ज्यादा एनर्जी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बॉन्ड को बनने में लग रहा है समझ में आया क्या कहा यहां पे क्या है क्या हो जाएगा यहां पे? जितना एनर्जी इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है मान लो ट्वेंटी किलो जूल है इसको तोड़ने में भी हम मान लेते हैं ट्वेंटी किलो जूल है बट जब फॉर्मेशन होगा किसका फॉर्मेशन होगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का फॉर्मेशन होगा तो यहां पे कितना लग रहा है मान लो हंड्रेड किलो जूल एनर्जी इसके फॉर्मेशन में लग रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज लेस देन दी रिक्वायर्ड टू मेक दी फॉर्म टू मेक द बॉन्ड बिटवीन दॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ठीक यही हो जाएगा सो एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन सोल्यूट सॉल्यूट and solvent solvent is less than the than the energy required to form the solute solvent bond टू फॉर्म दी सोल्यूट सोलवेंट बॉन्ड क्लियर तो यहां पर ट्वेंटी किलो जूल है यहां पर ट्वेंटी किलो जूल और यहां पर कितना है हंड्रेड किलो जूल सो so, फोर्टी किलो जूल माइनस हंड्रेड किलो जूल कितना है सिक्सटी किलो जूल वो भी नेगेटिव का कैसा हो जाएगा ये एंडोथर्मिक है सो so, डेल्टा मिक्स एच जो है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव है डेल्टा मिक्स एच जो है वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव है वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम यहां पे वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम भी कैसा होगा नेगेटिव होगा वॉल्यूम भी कैसा हो हाँ होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू जीरो क्या है यहां पे डेल्टा मिक्स वी इज इक्वल टू जीरो सो लेस वॉल्यूम विल बी ऑब्जर्व देन एक्सपेक्टेड क्योंकि इंटरेक्शन कैसा है यहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हाई है मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स दूर दूर है वॉल्यूम ज्यादा होगा पास पास आने से वॉल्यूम कम हो जाएगा जितना एक्सपेक्ट किया था उससे वॉल्यूम कैसा है कम है जितना एक्सपेक्ट किया था उससे वॉल्यूम कैसा है कम है ठीक है सो लेस वॉल्यूम विल ऑब्जर्व लेस वॉल्यूम विल ठीक है यहां पे क्या हो जाएगा लेस वॉल्यूम विल ऑब्जॉर्व एज एक्सपेक्टेड लेस वॉल्यूम विल ऑब्जॉर्व एज एक्सपेक्टेड क्लियर समझ में आ गया अब इसका ग्राफ कैसे देखेंगे सिंपल है अभी थोड़ी देर पहले हमने राउट स्लो का ग्राफ बनाया था डिटो वही बना दो ठीक है वही बना बना दो देखो सेम ग्राफ हम कितनी बार बना चुके ये ग्राफ बना रहे, अब तक ग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए था राइट क्या देखा था हमने यहां पे? Yes. क्या था यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीरो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वन और बीच में क्या बनता है बीच में बनता है सोल्यूशन बीच में क्या बनता है बीच में बनता है सोल्यूशन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट टू

कम मिल रही है। जितना हम एक्सपेक्ट हमें, कम मिल, हमें कम, कम मिल रहा है ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इससे हमें कम मिला। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। इससे कम मिल रही है तो ये किसका ग्राफ बन गया नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन किसका ग्राफ बन गया ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्लियर है आ गया समझ समझ आया कि नहीं आया ये बताइए डन अब इसके बाद क्या करेंगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है जिस तरीके से हमने पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देखा था उसी तरीके से हम नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है क्या एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटिक एसिड एन वॉटर क्या एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड एंड वॉटर सी एच थ्री एच प्लस H2O. एक एग्जांपल ये है ये क्या शो करेंगे ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फिर एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल C2H5OH. C2H5OH. ये भी क्या शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे ऐसा है C2H5OH हमने पॉजिटिव में भी लिखा था बेट इसको सी एच थ्री ओ कर देते हैं ठीक है मिथेनोल कर देते हैं सी एच थ्री सी एल एंड एसीटोन सी एच थ्री सी एल एंड एसीटोन और सी एच सी एल थ्री है सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री एंड एसीटोन वॉटर एंड एसिड भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है यस, वॉटर एंड एसिड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है लिख लो एच टू ओ एंड एच सी एल और एक और एग्जाम्पल बता दो वॉटर एंड एसिड इसका एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफॉम इन बेंजीन क्या है क्लोरोफॉर्म इन बेंजीन क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ठीक है ओके okay, क्लियर है तो यहां पे ना हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है ओवर ठीक है यहां पे यस आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन यहां पे हमारा ओवर होता है ओके मैम मैं बहुत वीडियो देखी फिर कॉन्फिडेंस से आपका चैनल कोइंसिडेंस से आपका चैनल मिला ओके ओके थैंक यू सो मच अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है रिंकू बहुत अच्छी बात है बाकी हमारा फिफ्थ लेक्चर है इससे पहले के सारे आप लेक्चर्स देख लीजिएगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा ये चैप्टर ओके यस एक्स वाई जी क्लोरोफॉर्म आप आंसर बता रहे हैं बट पेयर में बताइए ना आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं पेयर में आंसर बताइए कि वो सल्यूशन बन रहा है सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों हमें पता होना चाहिए ठीक है तो आप पेयर में आंसर बताइए पूरा सोल्यूशन बताइए सोल्यूट या फिर सोलवेंट नहीं बताइए ओके क्लियर है तो सिर्फ हमने आज की क्लास में क्या किया है न्यूमेरिकल कब होगा बहुत जल्द न्यूमेरिकल होगा ठीक है इसका न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा अभी इंटेक्स क्वेश्चन भी होंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे क्लियर और अगर अभी मे भी आपको अगर टेस्ट वगैरह चल रहे हो उसके लिए आपको इंटेक्स क्वेश्चन देखना है तो आप पिछले ईयर की वीडियोस को भी देख सकते हैं ठीक है आन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ना यूट्यूब का लिंक होगा आप उसको टैप करके ग्रुप में एड हो सकते हैं ठीक है जो भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कब क्लास स्टार्ट होने वाली है तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा प्लस जो भी मैं यहां पे पढ़ा रही हूं ठीक है जो भी ये नोट्स बने हैं ना ये एज इट इज आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे तो आप ग्रुप में एड हो जाइएगा ठीक है स्टूडेंट्स बाकी आज की क्लास में देखो बड़ा सा टॉपिक हमने क्लियर किया है ओके तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप ने क्लास देखा राइट right? यस yes. तो आप एक बार ग्रुप में जुड़ जाइएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी जो भी डाउट होंगे प्लस आपको अगर अपने टॉपिक्स वहां पे समझने हैं तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर हम उसका लाइव कर लेंगे ओके ऐप नहीं है बेटा ऐप नहीं है आप डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो के आपको यूट्यूब का एक चैनल मिलेगा ठीक है यूट्यूब की एक लिंक मिलेगी आप उस लिंक पर टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली ग्रुप में एड हो जाएंगे ठीक है उसमें ऑलरेडी काफ़ी बच्चे हैं आप उसमें ऐड हो जाइए क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब क्लास स्टार्ट होने वाला है उससे पहले उस पर लिंक आ जाती है प्लस ये जो नोट्स हैं ठीक है जो मैंने यहाँ पे करवाया है वो एज इट इज आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा तो आप खुद से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ओके okay? क्लियर है तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच